वेलकम टू हेलो जिंदगी। लाइफ की फिटनेस के लिए हमारा फिट रहना है बेहद जरूरी। साल 2015 से लगातार इसके रिमाइंडर का काम कर रहा है मेगा डायबिटीज कैंप। बीते दो सालों की तरह इस साल भी इस कैंप में हुआ बहुत कुछ सेहत के नाम। So here we present a glimpse of third mega diabetes camp. एक सपना। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट अपने ही देश में हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर राजेश केसी जी एक बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। एक प्रतिज्ञा। जो फाउंडेशन है ये डॉक्टर की अच्छा काम कर रही है और इन्होंने जो अभियान छेड़ रखा है ये तारीफ़ काबिल है। टोटल केयर कंट्रोल और कौटिल्य फाउंडेशन की तरफ से गाजियाबाद के स्वर्ण जयंती पार्क में लगाया गया थर्ड मेगा डायबिटीज कैंप, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डायबिटीज, हमें डायबिटीज को रोकना है, इसके लिए हमारे साथ शामिल होइए। डायबिटीज से बचना है, सबको बचाना है। 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 आइए आइए हमारे साथ आइए। फ्री हेल्थ चेकअप किया गया, साथ ही उन्हें डाइट प्लान और हेल्दी लाइफ के टिप्स भी दिए गए। राजेश केसी जी एक बहुत ही नेक काम कर रहे हैं डायबिटीज का अवेयर के ऊपर, एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। एक बहुत ही अच्छा इनका अभियान कई सालों से चल रहा है और इसी संदर्भ में आज भी इन्होंने एक वॉकेथॉन का, जस्ट टू क्रिएट द अवेयरनेस, एक वॉक का यहाँ आयोजन किया। डायबिटीज़ के लिए कैंप लगा हुआ है और बहुत अच्छा है। हमने चेकअप भी करा लिया है, सारा वॉक करा डॉक्टर साहब के साथ सारा हमने। आज बहुत अच्छा लगा, कैंप लगा है, काफ़ी लोगों का टेस्ट हुआ है, शुगर का भी, बीपी का भी। शुगर आपको हाई है तो आपको इसमें इंसुलिन की ज़रूरत है और इंसुलिन लेने के बाद शुगर अगर कंट्रोल है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास इंसुलिन लेने पे कोई खतरा नहीं है। अगर पैनक्रियास आपके इंसुलिन नहीं बना रहे तो ऑब्वियसली आप इंसुलिन लीजिए, इंसुलिन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप 10 टाइप की दवाई खाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इंसुलिन की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये बहुत अच्छा प्रयास है डॉक्टर केसरी का, इससे अच्छी सेवा नहीं हो सकती जनता की। कम से कम अवेयरनेस बहुत जरूरी है, अवेयरनेस का जो कैंप है ये, इससे बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं इस फील्ड में वो। डॉक्टर राजेश केसरी पिछले कई सालों से लोगों के बीच डायबिटीज से जुड़े मिथ्स एंड फैक्ट्स लेकर पहुंच रहे हैं, पर इस बार उनका साथ देने पहुंचे कई डॉक्टर जिनका डॉक्टर केसरी ने स्वागत किया। सबके लिए जोरदार तालियां बजाएं। पहले हम अभिनंदन करते हैं डॉक्टर मनोरमा सिंह का। डॉक्टर मनोरमा सिंह जो सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं मैक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर एस के अग्रवाल सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट
कैलाश हॉस्पिटल में, जो हम सबके दिल की नब्ज जानते हैं और सही पकड़ लेते हैं, डॉक्टर एस के अग्रवाल, डॉक्टर विनीत शार्प आई सेंटर से आई स्पेशलिस्ट। लायंस क्लब अर्पण की ओर से नुक्कड़ नाटक के जरिए हेल्थ और हेल्दी लाइफ को समझाया गया। मेगा डायबिटीज कैंप में पहुंचे सभी डॉक्टर्स ने लोगों को डायबिटीज और हेल्दी लाइफ के बारे में बताया। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से खून में निरंतर शुगर की मात्रा बढ़ी रहती है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। डायबिटीज में खून में ग्लूकोज बढ़ा रहता है, लेकिन हमें इसकी क्यों चिंता है? ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज हमारे शरीर का ईंधन है। जैसे हमें घर में बिजली जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जैसे गाड़ी चलाने के लिए हमें पेट्रोल चाहिए, वैसे हमारे शरीर को काम करने के लिए, हमारे दिमाग को सोचने के लिए, हमें बोलने के लिए, हमारे दिल को धड़कने के लिए हमेशा एक ईंधन चाहिए, जो ईंधन है ग्लूकोज। मैं यहाँ स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर मंजू केशरी का, ज़ोरदार तालियाँ। ये स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, प्लीज़ आइए बैठिए। डॉक्टर मंजू केसरी करीमा, डॉक्टर मंजू केसरी। ग्लूकोज एक ईंधन है जो हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी चाहिए। ये स्टोर होता है हमारे लीवर में और धीरे 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 हमारे खून के प्रवाह में रिसता रहता है और इसकी वजह से सुबह, दोपहर, रात को, शाम को हमेशा हमारे खून में ग्लूकोज होता है। लेकिन जब इसका नियंत्रण बिगड़ जाए तो ये ज़्यादा मात्रा में आ जाता है और इसको नियंत्रित करने वाली एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार की चाबी होती है जो हमारी पैनक्रिया से निकलती है और ये चाबी निकल के हमारे खून में आती है और जहाँ से ग्लूकोज निकल रहा है, जैसे लिवर से, मसल से, फैट सेल से, उसको रोकती है, उस पर रोक लगाती है। तो जितनी मात्रा में आवश्यक है हमारे शरीर में केवल उतना ही ग्लूकोज होता है। डायबिटीज़ की बीमारी तब होती है जब किसी कारणवश ये इंसुलिन या तो नहीं बनती या इंसुलिन कम बनती है या ख़राब बनती है। समझ लीजिए ये जो चाबी है ये ताले में नहीं लगती और ताले नहीं खोलती और खून के प्रवाह से इंसुलिन सेल के अंदर नहीं जाती, तब होती है डायबिटीज़। इस बार वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, जा रहा है, उसमें है स्पेशल फोकस ऑन वुमेन कि महिलाएँ किस तरह से पीड़ित हैं, कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रभावित होती हैं। अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ बचपन से लेके बड़ी उम्र तक महिलाओं को अलग अलग तरह से परेशान करती है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगी डॉक्टर मनोरमा सिंह, जो बहुत सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट हैं। आप सबको मेरा नमस्कार है और मैं औरतों के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद करूँगी इस वक्त, क्योंकि मैं उसी के विशेषज्ञ हूँ। महिला की जो ज़िंदगी है उसमें शुरू से आखिरी तक स्ट्रगल बहुत है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं। कुछ खास पीरियड हैं जैसे कि जो कि हमें आदमियों से अलग रखते हैं, वो हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे महावारी का होना। नंबर दो, गर्भावस्था का होना, गर्भ ठहरने की चिंता, इनफर्टिलिटी होती है उसकी चिंता, और फिर मेनोपॉज, जबकि महावारी बंद हो जाती है। इन सभी अवस्थाओं में जो हार्मोन लेवल्स हैं बॉडी के, वो फ्लक्चुएट करते हैं और उनके फ्लक्चुएशन की वजह से, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया था, हमारे अंग डिफरेंट तरीके से काम करते हैं और ब्लड शुगर ज़्यादा होने की संभावना रहती है। स्ट्रेस पीरियड होता है और स्ट्रेस में हमेशा ये बढ़ता है। खाने की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं। हर घर की महिला का ये है कि घर में जो बना है पहले सबको खिला दें, जो बचेगा वो खा लेंगे। फिक्र रहती है कि कहीं कम ना हो जाए, तो सबको पहले दे दो, जो बचेगा वो खाएंगे। टाइम से खाना नहीं खाना, बिकॉज काम है, जाना है, उलझना है, समय नहीं मिलता, तो समय पे खाना नहीं है, तो न्यूट्रिटिव डाइट नहीं होती है, समय पे खाना नहीं होता है। मोस्टली ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि काम पे भागना है या घर के काम हमें फुर्सत नहीं लेने देते। इन सब वजह की कारणों से हमारे जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़ होने को हम रोक सकते हैं, और अगर एक बार हो जाए तो अपनी लाइफ को प्लान करके और ट्रीटमेंट ठीक से लेके अपने आप को बचा सकते हैं, और उसका उग्र रूप धारण करने से हम रोक सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। सबसे
पहले तो मैं डॉक्टर केसरी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के। एज ए क्लिनिशियन, एज ए डॉक्टर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी पेशेंट को कोई बीमारी है उसको ट्रीट करना, मगर जब क्रॉनिक डिजीज की बात आती है लाइक डायबिटीज, जो कि एक बार हो गई तो शायद ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगी, उसको ट्रीट करने के अलावा ज़्यादा ज़रूरी है उससे बचा जाए। दुनिया में नंबर दो हैं हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स के मामले में चाइना के बाद में। अगले 20 सालों में हम नंबर वन कंट्री होंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स होंगे डायबिटीज़ से। डायबिटीज़ इज ए डिजीज ऑफ वैस्कुलर सिस्टम, मैं कहता हूँ एज ए हार्ट स्पेशलिस्ट। कहने का मतलब डायबिटीज़ से शुगर पे फ़र्क आता है, वो एक अपना पार्ट है, बट अल्टीमेटली ये बॉडी में इफ़ेक्ट करती है ब्लड वेसल्स को, हाई शुगर से, हाई इंसुलिन से, इंसुलिन रेजिस्टेंस से, और इसके कारण होने वाले कोलेस्ट्रॉल के ऊपर पड़ने वाले बुरे इफ़ेक्ट्स के कारण से अल्टीमेटली शरीर की सारी आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लॉक होना शुरू होती हैं, हार्ट में हो, ब्रेन में हो, आईज में हो, किडनीज में हो, पैरों में, हाथों में हो, और इन ब्लॉकेज के कारण से अल्टीमेटली डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। हार्ट में 3 आर्टरीज होती हैं जिनके थ्रू ब्लड सप्लाई होता है हार्ट को, और इससे नैरोइंग जो होती है, जो ब्लॉकेज आती है हार्ट के अंदर, वो काफ़ी सीवियर होती है, एक्सटेंसिव होती है। यूजुअली एंजियोप्लास्टी वगैरह, बाईपास वगैरह ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर। डेथ रेट्स, कॉम्प्लिकेशन रेट्स आर वेरी हाई इन पेशेंट्स हु हैव डायबिटीज। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ आपको, शायद डॉक्टर केसरी को पता हो ना हो। 5 July 2006 को मैंने अपना शुगर ऐसे ICU में एक सिस्टर को बोला कि मेरा शुगर चेक कर दो, एंड आई वॉज सरप्राइज इट वॉज 384। आई वॉज नॉट अवेयर, मुझे नहीं पता था कि मुझे डायबिटीज है। मुझे लगा गलत होगी रीडिंग, मैंने दोबारा चेक कराया 375। 2-3 दिन बाद मैंने फास्टिंग PP कराया, 220 समथिंग वॉज फास्टिंग, 280 वॉज PP। देन आई थॉट ओ इट्स डायबिटीज। माई वेट वॉज 102 kg दैट टाइम, फॉर माई हाइट इट वॉज डेफिनेटली ऑन द ओवर साइड। मैंने एक्सरसाइज शुरू की, मैंने अपनी डाइट प्लानिंग बनाई, within 6 months I lost 23 kg weight, within 6 months, just by efforts. 4 mg glimepiride per day I started initially, 2 mg morning, evening. Exactly after 8 months, 5th March I took the last dose of metformin, and 5th March 2007 से आज का टाइम है, 10 साल से ऊपर हो गए, मैं कोई दवा नहीं ले रहा हूँ, अपनी पीपी शुगर को 115 से ऊपर नहीं जाने देता हूँ। इट कैन बी डन, इट्स नॉट डिफिकल्ट। आई एम डूइंग, आई एम वॉकिंग डेली 6 to 8 kilometers, आई एम वेरी कॉन्शियस विद माई डाइट, आई डू द एफर्ट डिस्पाइट ए बिजी शेड्यूल, यू कैन डू इट। ओनली थिंग इज यू नीड ए डिटर्मिनेशन टू किल द डायबिटीज, अदरवाइज डायबिटीज विल किल यू टुमारो, नो डाउट अबाउट दैट। सो बी सिंसियर विद ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। मीठा होना अच्छी बात है, आचरण में, व्यवहार में, बोलने में, शुगर में नहीं। थैंक यू वेरी मच। जो डायबिटीज़ में स्किन चेंजेस होते हैं, मैं सिर्फ उस पर फोकस करूँगी मेनली। अगर जो प्री डायबिटिक चेंजेस होते हैं उसमें गर्दन, चेहरा, अंडर आर्म्स और ग्रोइन के पास की स्किन थिक और काली होती जाती है, जिसे हम एक एंथोसिस निग्रिकिन्स कहते हैं, जो आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो डायबिटीज़ में स्किन केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास ध्यान रखें, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ही ड्राई और इची होती है, तो मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 बार मॉइस्चराइज करें, अपने हाथ पैरों का बहुत ही ध्यान रखें, उसको खूब अच्छे से वॉश करके सुखाना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली फिंगर्स के बीच में, क्योंकि ये एरिया बहुत ही कॉमन एरिया है फंगल इन्फेक्शंस के लिए, तो उसे भी बहुत अच्छे से सुखाएं। जब भी ऑफिस से आए उसको कायदे से अपने पैरों हाथों को धोएं, खूब अच्छे से सुखाएं, जो भी पसीना है उसे अच्छे से निकाल दें। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, कि अपने हाथ और पैरों को सुबह शाम डेली इंस्पेक्ट करें, क्योंकि न्यूरोपैथी होने की वजह से कई बार हमें घाव लग जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, तो उसको रोज़ देखें। अगर कोई भी घाव या सूजन है तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, और अगर कुछ भी इन्फेक्शन या घाव है तो उसको ट्रीट करें। और शूज़ पहनना और नंगे पांव बिल्कुल भी नहीं चलना है आपको, ताकि अपने जो भी उसकी केयर है, कोई भी चोट ना लगे, कोई भी इन्फेक्शंस ना हो, तो रोज़ धोएं, सुखाएं और मॉइस्चराइज करें। धन्यवाद। सर
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डायबिटीज़ में जब ब्लड शुगर बढ़ती है तो हमारी आँख की नसें, जिनको हम ब्लड वेसल्स होते हैं, वो ख़राब होने शुरू हो जाती हैं, जिनकी वजह से हमारी आँख में तरह तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। हमारी आँख का पर्दा जो कि हमारी रोशनी बनाता है वो ख़राब हो सकता है, मोतियाबिंद जल्दी आ सकता है, आँख में रेगुलर पानी आना, चश्मे का नंबर बार बार चेंज होना, ये सब आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। कई बार पेशेंट हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी तो आँख में कोई दिक्कत नहीं है, मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है, तो मुझे बार बार आँख का चेकअप कराने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी आँख ठीक भी है, आपको चश्मे से ठीक दिखाई भी देता है, चाहे आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो भी चुका है, लेकिन फिर भी आपको अपनी आँख का चेकअप, अपने पर्दे का चेकअप 6 महीने में एक बार ज़रूर कराना है। अपनी आँख का प्रेशर चेक कराएं और आँख का पर्दा चेक कराएं। कुछ लोग, जैसे मैडम ने बताया कि डायबिटीज़ फीमेल्स में एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है, उन केसेस में भी आँख में, पर्दे में या आँख की नस में सूजन आ सकती है, जिसके लिए आपको आँख का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। अगर जो हमारी रोशनी डायबिटीज़ की वजह से कम हो जाती है, वो हमारी दोबारा नहीं आ पाती है, तो बहुत ज़रूरी है कि जितनी रोशनी हमारे पास बची हुई है हमारी उतनी बनी रहे। मेगा डायबिटीज़ कैंप में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुई उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य श्रीमती विमला बाथम। मैडम प्लीज एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए, श्रीमती विमला बाथम। स्वागत करते हैं श्री रूप नारायण बाथम का, जो बहुत बड़े पेंटर हैं, आर्ट हिस्टोरियन हैं, पोएट हैं, और इन्होंने बहुत कुछ किया है पेंटिंग के स्फीयर में। जहां बड़े सेहत से जुड़ी बातें जानने में लगे थे, तो वहीं बच्चे पेंटिंग कंपटीशन में बिजी। आखिर सभी को चाहिए फर्स्ट प्राइज। इस दौरान कैंप में आए सभी डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। हेल्थ और हैप्पीनेस के नाम हवा में उड़े ढेर सारे ब्लू बलून्स, इस विश्वास के साथ कि हेल्दी रहे इंडिया, फिट रहे इंडिया।